तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरा हुलिया देख सकते हो तो ये गेस करना बहुत मुश्किल नहीं हुआ कि मैं भी उठा हूं। तो अब उठ के मैं एक अच्छा मील बनाना चाहता हूं। सर्दियों के दिन है थोड़े, तो एक सूप टाइप की चीज जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर हो, आपको अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले और डॉक्टर अच्छा प्रोटीन भी हो। कार्ब्स मुझे इस टाइम पे नहीं चाहिए, तो इसलिए इसमें कार्ब्स बिल्कुल नहीं होंगे। सो ये रेसिपी है, इट्स अमेजिंग फॉर पीपल जो लोग कट डाउन करना चाह रहे हैं। अगर आप इसमें साथ में कार्ब्स ऐड करते हैं तो यू नो यू कैन यूज द बल्क अप रेसिपी आल्सो, क्योंकि ये आपको वेजीज खाने का मौका देता है। तो विदाउट मच एडो बताता हूँ आज की रेसिपी में हम बेसिकली क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो आज की रेसिपी में सबसे पहली चीज है हमारे पास ब्रोकली, दूसरी चीज है हमारे पास एक चुकंदर, बाकी है हमारे पास तीन टमाटर और हमारे पास है दो गाजरें। साथ में हम यूज कर रहे हैं थोड़ा सा लहसुन, उसके साथ जो होगा कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा नमक, एक कुकर, एक मिक्सी और थोड़ी सी बटर। तो ये चीजें सारी की सारी हैं, ये एक्चुअली में हेल्प करेंगी ये सारी रेसिपी बनाने में। ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, यू स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद जो की होगी मेरी इंट्रो, फिर हाजिर होते हैं। एक चीज, अगर आपकी जो वेजीज हैं इनको धोने का एक तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या होता है, आप इसको पानी में रखें और पानी में रखने के बाद थोड़ा गुनगुना पानी होना चाहिए, उसमें थोड़ा नमक यूज कीजिए और 15 मिनट लिए रखिए, उसके बाद वो साफ पानी से धो दीजिए और आपकी वेजीज एकदम अच्छे तैयार होंगे। अब पहला स्टेप क्या करने वाले, सबसे पहले जो सारी चीजें हैं वो हम डालेंगे एक कुकर में। तो सारी जो वेजीज हैं सारी वेजीज आप डाल लीजिए एक कुकर में। कुकर में आपकी सारी वेजीज चली गई, इसके बाद इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद आप इसको चढ़ाएंगे गैस के ऊपर। हमारा कुकर थोड़ा खराब है, ऐसे हो जाता है। टमाटर थोड़ा निकाल लेंगे, स्किन जो है हल्की सी निकल गई है, तो इसको पील ऑफ करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। पानी में तो तरीके से आराम से टमाटर की स्किन निकल गई। एक चीज बताना भूल गया, मतलब जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ ऐसे मत कीजिए, गरम गरम है काफी, लेकिन मुझे गरम चीजें थोड़ी ठीक ही लगती हैं, तो यू नो काफी हद तक तो इसकी काफी तस्वीर निकल चुकी है। अब एक ही करके आप क्या करोगे, हर चीज जो है पानी वहीं का वहीं रहने देंगे। ब्रोकली जो है निकाल ली, सारी चीज निकाल ली, काजू थोड़ी काटनी चाहिए थी लेकिन चलो भी। सारी चीजें जो उसमें यूज करो प्लास्टिक बिल्कुल मत यूज करना, क्योंकि जब चीज गर्म होती है और जो उसमें प्लास्टिक होता है इससे बुरी चीज दूसरी होती नहीं है, ठीक है। तो इसको रख दिया यहाँ पे, ये निकल क्यों नहीं रही भाई, गाजर निकल गई, ठीक है। सब चीजें क्या करो, एक अच्छे से ब्लेंडर में डाल दो। मुझे लगता है गाजर मुझे थोड़ी और पकनी पड़ेगी, हल्दी थोड़ी काट के अच्छे मॉइस्ट हो गएंगे, थोड़ी चुकंदर भी डाल दिया, इसको काटना वैसे ही आसान था, थोड़ी ब्रोकली, क्योंकि इसमें हमारा गोल क्या रहेगा, गोल रहेगा कि एकदम हमें अच्छा सा मिक्सचर मिल जाए। आई होप मेरा ग्राइंडर
अच्छा काम करे इस पे, लेकिन थोड़ी गाजर है इतनी भार है। अब इसके बाद ग्राइंडर चलाते हैं। देख सकते हो कैसे एकदम मस्त लग रहा है, पूरा सूप के फॉर्म में आ गया। तो अगेन जो पानी पहले था उसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें सारा सूप डाल दो। सूप का सारा सामान डाल दिया। अब इसमें डालेंगे आप प्याज, एक कटा हुआ प्याज था मेरे पास वो डाल दिया। एक चम्मच लहसुन की, आई लाइक लहसुन और लहसुन के फायदे बड़े सारे होते हैं, ये भी डाल दिए। उसके बाद स्वाद अनुसार जिसको नमक ज़्यादा अच्छा लगे उसको नमक डाल दीजिए। अब ये और बात रही है बेसिक दो सर्विंग्स हैं, आप कितनी भी खा सकते हैं। हम तो अभी दो लोग इसको पियेंगे, बाकी तो इट्स ऑल अप टू यू। अब देखो ये थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं इसको लूंगा नहीं क्योंकि ये पार्ट जो है गर्म है और प्लास्टिक है, इसको मुझे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। बाकी जो मेरा पूरा पूरा मिक्सी ग्राइंडर है वो पूरा मेटल है, इसलिए बाकी इज फाइन, लेकिन दिस इज नॉट समथिंग आई एम रियली विलिंग टू टेक, इतना थोड़ा वेस्ट होगा। अगर आप लोगों के जो मिक्सीज हैं वो प्लास्टिक की है तो अवॉइड इट। अब एक और चीज़ थी इसमें जो मैं पहले डाला नहीं था, वो था पनीर, क्योंकि थोड़ा प्रोटीन चाहिए। अब पनीर को मैं पहले बॉयल कर लेता हूँ। बॉयल करने से दो चीज़ें अच्छी रहती हैं, एक इस हाइजीन परस्पेक्टिव से अच्छा रहता है और दूसरा ये अच्छा सॉफ्ट सा हो जाता है, तो ये चीज़ हो जाती है। अब इसे हम 10-15 मिनट बॉईल करेंगे और उसके बाद आप दिख रहा होगा कि देखिए ज़रा इसको देखें। दिस व्हाट इज़ लुकिंग। इसको 10-15 मिनट रख दीजिए ऐसे, और आई होप कि 10-15 मिनट बाद सही लगना चाहिए। तो आप उसको 10-15 मिनट के बाद दिखाता हूँ कि सूप हमारा कैसा लगा। हमारा सूप ऑलमोस्ट तैयार है और उसका पूरा तैयार है, आप देख रहे हो बहुत डिलीशियस इसकी वो है क्योंकि ताज़ा सब्जियां पड़ी हैं। अब इसमें बता दूं दो तरीके हैं, मैंने पहले मेंशन नहीं किए हुए, एक ये था कि जब हमने इसमें पहले डाला आप उससे पहले इसको छान भी सकते थे, लेकिन मुझे छानने का मतलब लगा नहीं क्योंकि सारी अच्छी वेजीज हैं तो खाने में और मजा आएगा, मतलब हम ऐसी टेस्ट पसंद करते हैं और इन पड़े जो वेस्टेज पार्ट होती है मुझे सूप की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं ऐसा छानता नहीं हूँ। अब आई एम गोइंग टू पोर इट। आपका सूप तैयार है, लेकिन सूप में भी एक और चीज़ डालेंगे, इसमें पनीर तो हमने पहले डाल दिया था लेकिन मेरा फेवरेट वो है ब्लैक पेपर। शुड लुक अमेजिंग, ब्लैक पेपर बहुत बढ़िया चीज़ होती है। और उसके बाद इसमें जो अगली चीज़ डालेंगे वो है चिया सीड्स, ताकि पूरा अच्छा वीगन बन जाए, इसमें हर चीज़ अच्छी हो और आपकी सेहत कमाल रहे। अंदाजे से 15 ग्राम के आसपास चिया सीड्स हैं इसमें, तो ये भी डाल दिए। नाउ दिस इज आवर सूप, इट लुक्स अमेजिंग। तो टेस्ट करते हैं, बहुत गर्म है और बहुत टेस्टी भी है। नमक हल्का सा कम लग रहा है तो नमक इसमें थोड़ा और डाल दूंगा। लेकिन गाइस आज आपने देखा ये बहुत मुश्किल ये बनाना और ये कंप्लीट मील है, थोड़ा और टेस्ट करना है, अच्छा टेस्ट बनाना है, तो आई सजेस्ट आप थोड़ी सी इसमें बटर भी ऐड करें। बटर ऐड कर दी तो ये आप एक कीटो मील भी बोल सकते हो इस चीज़ को, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं जो अच्छे जो कार्ब्स हैं कुछ हैं, जो लोग कीटोजेनिक डाइट पे वो भी अच्छा फॉलो कर सकते हैं। और नॉर्मली भी आई रिकमेंड सर्दियों के टाइम पे एक सूप तो रोज़ पियो इस टाइप का अच्छी वेजीज का। तो अब आने वाले कुछ वीडियोज में आपको थोड़ा और रेसिपीज बताऊंगा कि सिंपल आप तरीके से सूप कैसे बना सकते हैं, खुद पिए अपनी फैमिली मेंबर्स को पिलाइए, ताकि ना हमारी इस विंटर्स में सेहत बहुत अच्छी रहे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू फाउंड इट हेल्पफुल। I'll see you next time. Till then, bye-bye.